तो और भाई लोग की हाल चाल। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप एल्गोरिथम की तरह जो है अपने वीडियोस में ग्लिच लाइन कैसे लगा सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको बता रखा है, बट वो सब जो ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करते हैं एंड वो रियल ग्लिच लाइन नहीं होते हैं। बट आज के इस वीडियो में आपको जो मेथड बताने वाला हूँ वो एकदम रियल एंड जेन्युइन है, जो कि एल्गोरिथम खुद ही यूज़ करता है अपने वीडियोज़ में ग्लिच लाइन को यूज़ करने के लिए। एंड मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि एल्गोरिथम काइना मास्टर का यूज़ नहीं करता है अपने वीडियोज़ को एडिट करने के लिए, वो यूज़ करता है फिल्मोरा का। एंड फिल्मोरा के अंदर में ही आपको ग्लिच लाइन का इफेक्ट मिलेगा। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि कहाँ पे वो ग्लिच लाइन है एंड आपको एंड आप उस ग्लिच लाइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब हो, साथ में बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। तो सबसे पहले आप सबको अपना जो कंप्यूटर के अंदर जो फिल्मोरा 9 को डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड कर लेते हैं आप सिंपली उसको ओपन कर लीजिए, या फिर आप फिल्मोरा एक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आपको जिस भी वीडियो पर ग्लिच लाइन लगाना है सिंपली उसको इम्पोर्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर सैम्पल वीडियोज़ कुछ पड़े हैं तो मैं इसको ही सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, सिंपली यहाँ पे टाइमलाइंस पे लेके आ जाता हूँ। देन अभी क्या करना है, सिंपली आप सबको ऊपर के साइड पे एक एफएक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो एफएक्स वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना। एंड जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली वहाँ पर सर्च कर लेना ग्लिच लाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फेवरेट लिस्ट में यहाँ पर इसको ऐड करके रखा है, तो यही है वो ग्लिच लाइन जो कि एल्गोरिथम यूज़ करता है। एंड आप भी जो है सिंपली यहाँ पर सर्च करके जो यूज़ कर सकते हो। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिथम अपने वीडियोज़ में कहाँ से ग्लिच लाइन का यूज़ करता है। तो वो जो फिल्मोरा में ही रहता है ऑलरेडी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एफएक्स वाले ऑप्शन में जाकर के। एंड इसके प्रॉपर्टीज़ में जाकर के आप अल्फा को भी मतलब कम बेस कर सकते हैं, तो आप जो है इस तरह से जो ग्लिच लाइन का यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक आई मेड इट क्लियर, यू गेट इट क्लियर। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को पे नए हैं तो सब्सक्राइब।